हेलो गाइस, श्री गुरुदेव एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हलवा। हम गुरु पूर्णिमा के लिए हलवा बनाते हैं। अब देखिए, ये मैंने पैन रखा है और मैं अभी दो कटोरी यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें लिया बताती हूँ। ये थोड़े रेजन हैं, ये काजू है, ये मैंने बादाम भिगा के इसका छिलका उतार दिया है और लंबे लंबे काटे हैं। ये मैंने केसर लिया, अगर मुझे और चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, मेरे पास है। ये सूजी मैंने भून के रखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं इधर पता कीड़े, लेकिन मुझे पता है कि भून के रखने से कभी कीड़े नहीं होते, इसीलिए मैंने भून के ही रखा है। और अभी मैं वापस थोड़ा सा भूनूंगी तो देखो ये कीड़े वगैरह नहीं यहाँ पर होते, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, इसीलिए। तो मैं अभी ये दो कटोरी मैंने ले लिया है, दो कटोरी मैंने हलवा बनाना है। ओके, मैंने इतना इलायची लिया यहाँ पर, इलायची इतना ले लिया। मैं इसकी पूड़ करूँगी, छील के बारीक करूँगी खलबत्ते से। और मैं अभी आपको बताती हूँ, सूजी लेती हूँ। सूजी में मैंने कीड़े नहीं होना चाहिए, इसीलिए दालचीनी का एक ये मैंने स्टिक डाल लिया, ताकि किसी में भी आपने दालचीनी या लौंग डाला तो आपको कीड़े नहीं मिलेंगे, ये सच है। ये मैंने एक कटोरी यहाँ ली, ये भुना हुआ है ऑलरेडी, फिर कीड़े बिल्कुल नहीं होते। आप एक साल भर रख सकते हैं, आप भुनने के बाद एक साल आपको कुछ करने का नहीं। बस ये लिया और मैं अभी इसमें घी डाल रही हूँ। इसके लिए घी थोड़ा ज़्यादा ही आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये घी में बहुत अच्छा होता है और इसको घी चाहिए। ये हलवे के लिए घी के सिवाय अच्छा नहीं बनेगा। मैंने इसे थोड़ा बॉटल लगा लिया, एक मिनट। यहाँ पर बहुत सुविधा है, कपड़ा यूज नहीं होता यहाँ पर, तो सब पेपर टॉवल यूज करते हैं। ऐसे अगर कुछ गिर गया वगैरह तो बस हो गया, एकदम क्लीन। तो अभी ये देखो, तो ये मेरा भी भून के मैं आती हूँ आपके पास। ओके, हमारा हलवा के लिए ये सूजी हमारी ये हो गई, क्या ब्राउन हो गई है। तो मैंने गैस फ्लेम पे छोटे गया उस पे रखा है गैस पे, तो आप देख सकते हैं। अब भी मैंने यहाँ पर पानी बॉयल करके रखा है, क्योंकि मैंने सिरे में डालना है। तो आपको एक टिप बताती हूँ, ये रेजन है, ये इसी में थोड़ा सा भून जाएगा। और ये काजू है, ये भी इसी में भून जाएंगे थोड़े पानी डालने के पहले थोड़ा सा। अगर आपको दूध से बनाना है तो दूध से बनाना, लेकिन मुझे दूध से हलवा पसंद नहीं है, चिपचिप होता है, इसलिए मैं दूध का हलवा नहीं बनाती दूध से। तो ये देखो, ये रेजन भी एकदम फूल जाते हैं। और पानी डालने के बाद आपको केसर डालना है, केसर शापरन केसर डालेंगे तो कलर एकदम से आ जाएगा। तो वो गर्म पानी में ये हो जाता है, फिर ये देखो भुन रहा है सब कुछ। तो थोड़े काजू भी ब्राउन से हो जाएंगे और ये अपने रेजन भी फूल गए, देखो रेजन ऑलरेडी, तो कच्चा नहीं लगेगा। और ये जो मैंने बादाम जो भिगा के छिलके निकाल के जो काटे हैं, वो बाद में ऊपर डालेंगे हम। और ये इलायची मैंने अभी छीली, उसके छिलके मैंने एक छोटे कांच के छोटे उसमें रखा बरनी में, और ये मैंने अभी इलायची में कुटेगी और मैं उसको बारीक करती हूँ खलबत्ते से, छोटा खलबत्ता है मेरे पास। और ये पानी अभी मैं आपके सामने इसमें मिक्स करती हूँ, ये बहुत अच्छे से भुना हमारा, आप देख सकते हैं। और अभी मैं ये गैस बंद करती हूँ, दूसरा। इधर चार गैस है, तो आप जितना मर्जी आप झटपट, कुछ भी देर नहीं। अभी मैं ये पानी इसमें डाल रही हूँ, देखो
मुझे ये सारा पता है कि दो कटोरी के लिए पानी कितना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है तो चलेगा क्योंकि सूजी में वो हो जाता है क्या मिक्स, उसको गलने के लिए बहुत अच्छी तरह सूजी हो जाती, फिर उसको पानी बहुत जल्दी सूखता है। और शुगर का भी बताती हूँ मैं, शुगर मैं खुद ही ये बना रही हूँ ना, तो मुझे तो मैं ये पुराना घी नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे गुरु के लिए भोग लगाना है ना, तो मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड कैसे घी यूज़ किया है, कैसे चम्मच डाला उसमें, तो मैंने नया घी यूज़ किया है। तो ये मेरी ब्राउन शुगर है, ये मैं ब्राउनी शुगर यूज़ करती हूँ। दो कटोरी, ये देखो कैसे हो गया, तुरंत पानी सूख जाता है सूजी का। ये बहुत होगा दो कटोरी का, क्योंकि मुझे प्रसाद भी देना है ना, इसीलिए मेरे फ्रेंड लोग को ऊपर मैंने बताया। और ये देखो ये कैसा है, अभी बहुत अच्छे से, ओ मैं ये केसर डाल रही हूँ उसमें, तो केसर का ऑटोमेटिक आपको कलर आ जाएगा पीला पीला। एक देखो एकदम एक जगह में डाला है तो उधर ही पीला हो गया, तो सब मिक्स करोगे तो एकदम, अगर कम है तो मैं वापस उसमें मिक्स कर दूँगी, थोड़ा डाल दूँगी, पर मुझे नहीं लगता है कि और चाहिए क्योंकि ज़्यादा भी पीला नहीं, क्योंकि मेरा बेटा ही पहले बोलेगा ये पीला पीला क्यों बनाया। तो ऐसे हो गया, अभी मैं थोड़ा सा आती हूँ शुगर, ये शुगर मैं दो कप के लिए, दो कप ही शुगर, दो कटोरी ही शुगर डालूँगी, जिस मापा मैंने जिससे सूजी उसी माप से मैं दो कटोरी शुगर लूँगी, ब्राउन शुगर। मैं वाइट शुगर नहीं खाती, वो ऑर्गेनिक शुगर है, इसमें कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं। अगर आपको भी अगर आपको शुगर खाना है तो आप ये शुगर लेना, महंगी है लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन शुगर, क्योंकि इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं, वाइट शुगर में केमिकल है इसीलिए वो वाइट शुगर है। तो आप अगर हो सकते तो आपको जितना भी खाना है थोड़ा खा लो, लेकिन अच्छा अपने हेल्थ के लिए, इसलिए मैं ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आती हूँ आपके पास, अभी ये सूख गया, अभी शुगर डालूँगी। ये देखो मैंने शुगर डाला, जितना मैंने सूजी लिया था उसी माप से मैंने शुगर माप के लिया, क्योंकि शुगर ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भी मीठा, बहुत मीठा नहीं होना चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं ना। और ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा शुगर से थोड़ा पतला हो गया, अभी अपने आप इतना अच्छे से हो जाएगा। अभी मैं वापस घी डाल दूँगी, मैंने सब डाल दिया है। अभी मैं ये जो ये है ना बादाम, मैंने जो छील के काट के रखा है, ये भी मैं उसी में मिक्स करती हूँ। और मैं अभी इसके ऊपर से मैं घी डालती हूँ वापस। मेरे से गलती हुआ, थोड़ा सा पास में रखती हूँ तो ये नीचे गिरेगा नहीं। बहुत खुशबू सारे घर में आए हैं, हमारे टेनेंट की चाबी भूल गए तो उन्होंने बोला क्या बन रहा है घर पर, क्योंकि बहुत बाहर खुशबू आ रहा है। उन्होंने कहा ऐसे तो हलवे का सचमुच खुशबू आता है। ये देखो, और आपको अभी आप ये हलवा देख लीजिए कैसा हुआ। थोड़ा हलवा के लिए घी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, बस यही करना होता है और कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप देखना खा के हलवा कितना अच्छा होगा, बहुत टेस्टी है वो। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा चुटकी जैसा खाना बहुत जल्दी बनता है, कुछ टाइम नहीं लगता। आपको सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे खाना बनाना है, तो एकदम से बन जाता है। देखो सब उसमें दिख भी रहा है। और ये बस आज के लिए इतना, और अभी मैं ये समेट लूँगी सारा किचन का और भोग लगा दूँगी, वो नहीं दिखाऊँगी मैं, सॉरी वो मेरा प्राइवेट है। और फिर मैं अब मेरा हलवा कैसा हुआ वो मुझे ज़रूर बताइए, ये वापस दिखा रही हूँ। और मुझे कमेंट करना और मुझे सब्सक्राइब करना और मुझे लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना मेरा हलवा कैसा हुआ है, ज़रूर बताना, राइट।
तो प्लीज़ आप थैंक यू सो मच आपको एवरीबॉडी, और आप इन्जॉय करो, अच्छे रहो, यही हमारा इंसान का धर्म है। आप जीवो, दूसरों को जीने की सहायता करो। श्री गुरुदेव एवरीबॉडी। मैंने अपना फेस नहीं दिखाया, इसलिए मैं आपको मेरा फेस दिखाती हूँ। श्री गुरुदेव। बस आज के लिए इतना। सब्सक्राइब, कमेंट में मुझे बताना और लाइक करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। आज बहुत बड़ा दिन है।